नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ OnePlus 9 RT के बारे में। एक्चुअली इस फोन को हमने पिछले 15-20 दिनों से यूज किया है और मैं आपको फुल ऑन बताऊंगा कि अगर आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हो तो ये किसके लिए बना है और क्या ये आपके लिए सही पिक होगा या नहीं। मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में बहुत सारे फोन आते हैं जो कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आते हैं, लेकिन क्या वो OnePlus 9 RT, बिकॉज उसमें थोड़ा सा ज्यादा अगर आप देखेंगे तो प्राइस डिफरेंसेस थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या वो एक बेटर पिक होगा, आइए पता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। अब दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा गला थोड़ा सा ज्यादा खराब है, थोड़े से ज्यादा ही खराब है, एंड बेसिकली प्लीज थोड़ा ट्राई किया था कि यार गला ठीक होने के बाद आई कैन डू दिस वीडियो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो लेट्स सी, चलिए मैं एकदम ब्रीफ रखूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड टू द पॉइंट रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिजाइन के बारे में बात करते हैं, एंड डिजाइन वाइज जो प्रिंसिपल है अगर आप OnePlus 9 RT का देखें तो इट फॉलोज द सेम डिजाइन प्रिंसिपल। अब बैक पैनल फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, बट आपको शायद वीडियो में या फिर अगर आप फोटोज में देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि मैट फिनिश है एंड इतना स्लिपरी नहीं होगा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, एंड अगर आप इसे बिना केस या कवर के यूज़ करना चाहते हैं इट विल बी अ टास्क। तो या तो स्किन लगा लो, या तो केस लगा लेना, या तो कुछ ना कुछ करके कवर लगा लेना, नहीं तो मेंढक जैसे हाथ होने पड़ेंगे अगर आप इसको बिना गिराए यूज़ करना चाहते हो, सिंपल सी बात है। दूसरी बात दोस्तों मुझे अच्छी लगी कि चलो इसमें अलर्ट स्लाइडर है, एंड अगेन द अलर्ट स्लाइडर इज देयर टू स्टे। अब इस पर्टिकुलर फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है विद इन एल्युमिनियम फ्रेम, एंड अगर आप इस फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट इज़ वेरी अर्गोनॉमिक। अगर आप दूसरे स्मार्टफोन से इवन शाओमी के या फिर आईक्यू के अगर आप 888 वाले फोन से अगर आप इसके कंपेयर करते हैं तो इसका जो ओवरऑल अर्गोनॉमिक फैक्टर है, जो अगर आप इसको सिंगल हैंडेड यूज में करना चाहेंगे तो इट इज़ वेरी इजी विद और विदाउट द कवर ऑल्सो। अब एक दोस्तों जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी वो कि फोन्स में आईपी रेटिंग नहीं है इस पर्टिकुलर फोन में। अगर आप दूसरे कंपनीज के भी फोन देखो तो वहाँ पे आपको आईपी रेटिंग देखने को मिल जाती है। सैमसंग के दोस्तों जो मिड प्रीमियम सेगमेंट के फोन्स हैं वहाँ पे भी आपको आईपी रेटिंग देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विद वायरलेस चार्जिंग, वो आईपी रेटिंग यहाँ पे मिसिंग है। सो ये एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि प्रीमियम स्मार्टफोन में अगर आप 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा ले रहे हैं दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, ये आईपी रेटिंग एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है यूज़र को। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे, हैप्टिक इस फोन के बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। सो ओवरऑल द डिज़ाइन इज़ ग्रेट, जस्ट ये बात याद रखना कि बिना केस या कवर के अगर आप इसको यूज़ करें तो प्लीज़ एक गार्ड या फिर वो जो बैक कवर है उसको ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड मिलता है विद 120 हर्ट्ज़। अब दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये आता है गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ, एंड यहाँ पे आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एंड बेसिकली मुझे डिस्प्ले से कोई भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं है। अब अगर आप देखते हैं इसमें नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोज़ तो वाइड बैंड एलिमेंट का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स वगैरह आप फुल HD में देख पाएंगे, यूट्यूब आप HDR में देख सकते हैं, कलर आप अपने हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले चाहे आप डे लाइट में देखें, हार्श सनलाइट में देखें, नाइट में देखें, किसी भी अगर आप एंगल में देख रहे हैं, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले वाइज आई वुड से कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अब गोरिल्ला ग्लास 5 में क्या है दोस्तों कि जो स्क्रैचेस हैं वो थोड़े से जल्दी लगते हैं, ऑफकोर्स इट इज़ रेसिस्टेंट कि अगर गिर जाए तो जितना जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों स्क्रैचेस आएंगे। तो अगर आपको जो फैक्ट्री का अगर स्क्रीन गार्ड अगर हटा देते हैं सो मेक श्योर दैट यू गो फॉर अ गुड टेम्पर्ड और अ स्क्रीन गार्ड फॉर योर फोन। स्पीकर्स भी दोस्तों इस फोन के काफ़ी ज़्यादा सही हैं स्पीकर वाइज, मतलब जो हार्मन कार्डन के 11T Pro में, शाओमी के 11T Pro में जो हमने देखे थे, तो इट इज़ ऑलमोस्ट एट द सेम रेंज, तो स्पीकर्स आर गुड। एक बात दोस्तों मुझे और अच्छी नहीं लगी कि इसमें जो आपको USB पोर्ट मिलता है जो कि चार्जिंग पोर्ट है वो USB 2.0 है। तो USB 2.0 में क्या है कि आप जो माउस वगैरह है वो तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि एक तो ट्रांसफर स्पीड इतनी अच्छी नहीं रहती, और अगर आप HDMI वगैरह अगर लगाना चाहते हो जो कि आपको फ्लैगशिप में इवन OnePlus के फ्लैगशिप में मिलती हैं 9 Pro में, तो वो फीचर्स दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से होने चाहिए थे अब इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। तो आपको 50 MP का OIS कैमरा मिल जाता है विद 16 MP अल्ट्रा वाइड एंड 16 MP सेल्फी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसने 2 MP का मैक्रो लेंस नहीं बोला, बिकॉज वो बोलने लायक बात ही नहीं है जब हमने देख रखा है कि OnePlus ने अल्ट्रा वाइड लेंस से मैक्रो फोटोज खींच रखे हैं, तो इधर तो उस लेंस की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अगर और एक लेंस देना है तो वहाँ पे टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था, बिकॉज आई वुड प्रिफर कि मेरा जो फ़ोन है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करे फॉर मैक्रोज, ना कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, क्योंकि 2 मेगापिक्सल इज नॉट दैट गुड अ क्वालिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक्स्ट्रा लेंस दो ही दो, लेकिन वो 2 मेगापिक्सल का लेंस, चाहे वो कोई भी हो, वन प्लस, शाओमी, रियलमी, एनीमी, जो भी हो, वहाँ पे वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा इतना अच्छा नहीं लगता है। नाउ कमिंग बैक टू द फोटोज, एंड फोटोज आर फैबुलस। अगर आप डायनेमिक रेंज देखो, अमेजिंग। अगर आप क्लैरिटी देखो, ग्रेट। अगर आप फोटोज में देख लो कि भाई हाईलाइट्स एंड जो लो लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लिटरली आई एम इम्प्रेस्ड बाय द कैमरा। और इस पर्टिकुलर फोन का कैमरा अगर आप दूसरे फोन से कंपेयर करें, शाओमी 11RT, सॉरी नॉट 11RT, शाओमी 11T Pro एंड IQOO 7 Legend, जो कि 888 प्रोसेसर के साथ आता है, इसका कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और हमने दोस्तों ऑलरेडी कंपेरिजन कर रखा है, जैसे कि आपने शायद देखा ही होगा, जहाँ पर हमने इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन कर रखे हैं, वहाँ पे वन प्लस का कैमरा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सेल्फीज की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे भी आपके जो स्किन टोन है वो बहुत बढ़िया आते हैं, एज डिटेक्शन बढ़िया है। नाइट फोटोज़ की बात करें तो OIS के कारण नॉइस बहुत कम है, शटर स्पीड आपकी अच्छी है, एंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है फोटोज प्रोसेस होने में। सो ओवरऑल आई एम जेन्युइनली इंप्रेस्ड बाय द इमेज क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा। वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे आपको 4K 30 FPS मिल जाता है। जो स्टेबिलिटी है वीडियोस की वो भी काफ़ी अच्छी है, इतना ज़्यादा क्रॉप नहीं हो रहे हैं वीडियोस। उसके बाद दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 9RT में आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा CPU थ्रॉटलिंग नहीं है अगर आप देख रहे हैं, एंड इवन देखो अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो आप फुल ऑन सेटिंग्स में खेल पाओगे, आपकी जो डेली नॉर्मल मल्टीटास्किंग होगी वो भी ऑसमली स्मूथ होगी। अब देखो दोस्तों स्नैपड्रैगन 888 थोड़ा हीट होता है, लेकिन अभी जब हम टेस्ट कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा थ्रॉटलिंग नहीं देखने को मिली। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि दिल्ली में हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो देख रहे हो भाई, जैकेट पहन के मैं एंकरिंग कर रहा हूँ तो कितनी ज़्यादा ठंड होगी। तो अभी जो यूजुअल टेस्ट कंडीशंस हैं उसमें फ़ोन इतना गर्म नहीं हुआ, लेकिन देखो दिल्ली में जब अगर 4 डिग्री आती है तो 40 डिग्री भी आती है, तो 40 डिग्री में ये फ़ोन कैसा काम करेगा वो अभी नहीं बता सकते। उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म रिव्यू करना पड़ेगा, और तब तक अगर इतने सारे फ़ोन लॉन्चेस नहीं हुए तो शायद हम इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे, बिकॉज बहुत फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ स्मार्टफोन्स इन इंडिया। एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, परफॉर्मेंस वाइज आपको देखने की सोचने की जरूरत नहीं है, बट ये बात मैं कंक्लूजन में जाके बोलूंगा, बट वाली जो बात है ना वो एक मैं कंक्लूजन में जाकर के बोलूंगा। बैटरी की बात करें तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, इसी के साथ साथ आपको 65 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है। बैटरी वाइज आई हैव नो इश्यूज, ड्रेन अगर एक दिन में हो भी जाती है तो भाई 15 से 20 मिनट चार्ज कर लो, आराम से 8 घंटे और चल जाएगी, तो बैटरी वाइज यू आर कवर्ड। एक जो दोस्तों इशू है वो ये कि जो ऑक्सीजन OS है वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं लगा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय वन प्लस फोन का जो OS है, चाहे उसको अभी कोई भी नाम दे दो आगे जाकर के, मैं उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ। बग्स हैं और बग्स के साथ साथ क्रैश हो रहा है, इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। मुझे MIUI 12.5 ज़्यादा अच्छा लगा है। सो ये एक सोचने वाली बात है कि जो सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया था इतने सालों से, उसका एक्सपीरियंस इस बार इतना बढ़िया नहीं लगा। आई एम श्योर द टीम विल बी एबल टू फिक्स इट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर अपडेट, बट आउट ऑफ द बॉक्स जो एक एक्सपीरियंस होता है दैट मैटर्स लॉट। अब दोस्तों मैंने एक बट वाली बात बोली थी, राइट, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। तो क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस? अगर मैं बोलूं कि भाई अगर आपको स्नैपड्रैगन 888 चाहिए विद अ गुड डिज़ाइन, विद अ गुड डिस्प्ले, विद अ गुड बैटरी एंड अ गुड चार्जिंग स्पीड, शाओमी का जो फ़ोन है शाओमी 11T Pro, वो एक मतलब थोड़ा सा बजट में है, 3-4 हज़ार रुपये सस्ता है, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद IP रेटिंग एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस। दैट बींग सेड, अगर आपको कैमरा स्नैपड्रैगन 888 परफॉर्मेंस के साथ बहुत बढ़िया चाहिए, अगेन अगर आपको ऑक्सीजन OS पर भरोसा है, अगर आपको कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, और अगर आपको वो स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो चाहिए, एंड इफ़ यू डोंट माइंड कि मैं 4000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कैमरा परफॉर्मेंस के लिए, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द वन प्लस 9RT। इट इज़ फॉर द एंथुसियास्ट जिनको कैमरा ज़्यादा पसंद है, अलॉन्ग विद ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट वन प्लस ब्रिंग्स विद, लाइक द अलर्ट स्लाइडर, द ऑक्सीजन OS एंड एवरीथिंग एल्स। तो दोस्तों ये था हमारा फुल ऑन रिव्यू इस पर्टिकुलर फोन का, आई होप आपको पसंद आया होगा। भाई पसंद आए तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।